देखिए, जिस तरह से लोकसभा में अप्रत्याशित सफलता हमें मिली थी उसको ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि सही में स्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा है ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है बीजेपी के लिए, आई ओपनर का काम किया है। देखना पड़ेगा क्योंकि स्टेट में जब चुनाव होते हैं तो उसमें स्टेट लीडरशिप होता है, लोकल फैक्टर्स होते हैं, टिकट बंटवारे होते हैं, सारी चीजों पर नए सिरे से पार्टी विचार करेगी कि आने वाले विधानसभा के लिए अब जो तैयारी है उसमें हमें काफी ये मददगार होगा और हिसार से हम सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह के नेतृत्व चाहिए, किस तरह का जिले में चाहिए, किस तरह मंडल में चाहिए, विधानसभा में चाहिए, कैंडिडेट सिलेक्शन में कहां कमी हुई, इन सारी चीजों की समीक्षा करके पार्टी नेतृत्व आगे बढ़ेगा। दोनों ने इसे 11 की 11 सीटें कायदे से तो हमारी ही थी, हम उसमें 8 हार रहे हैं अगर अभी रुझान में, तो मान लो हम 5 भी हारते हैं तो हम मानते हैं कि हमारी हार है, लेकिन जनता का आदेश हमें स्वीकार है और इस हार से हमें सीखने का मौका मिलेगा। इससे आप लोकसभा के चुनाव का नहीं कंपेयर कर सकते, लोकसभा में एक अलग फैक्टर्स होता है और इसका इस तरह इस बार के लोकसभा में जीएल में एक अलग फैक्टर था, विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, कांग्रेस के कुकर्मों के चलते जो हमें मिला था, लेकिन स्टेट में जब चुनाव होता है तो वहां का भी लीडरशिप देखा जाता है। तो अब पार्टी नए सिरे से विचार करेगी कि लीडरशिप के क्वालिटी पर भी विचार करना पड़ेगा, टिकट सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनके क्वालिटी पर भी विचार करना पड़ेगा। ये तो हार को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुझे ये नहीं लगता है कि नेतृत्व में लड़ा गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बाई इलेक्शन था तो उनको इलेक्शन का इंचार्ज बनाया गया था, तो इसको नेतृत्व नहीं कह, नेतृत्व तो उस समय होता है जब पूरे प्रदेश का चुनाव होता है। हाँ, इंचार्ज बनाया गया था तो ये बात सही है। तो इस पर भी तो बोला ना कि किस तरह के कमियां रह गई, इस पर पार्टी नए सिरे से विचार करेगी। हो सकता है कि कुछ हमारे गलत निर्णय से ऐसे परिणाम आए तो अपने गलत निर्णय को तो हम सुधार सकते हैं, लेकिन जनता का जो मैंडेट है उसे तो हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, लव जिहाद का मुद्दा बीजेपी का पहले तो मानिए था नहीं। लव जिहाद का मुद्दा, ये जो सच्चाई है जिनके साथ घटना घटी वो बयान किए, अब टेररिज्म का मुद्दा है, लव जिहाद का मुद्दा है, कहीं साजिश हो रही तो ये उठाना हमारा काम है, कहीं लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है तो हम विपक्ष में उठाना हमारा काम है। लव जिहाद में साफ साफ दिख रहा है कि जिन पर आतंक फैलाया गया है वो खुद परेशान है, तो ये हमारा काम था उठाना। हम नहीं मानते ये गलत है, अगर बाहर से फंडिंग हो रही है इसको हम सावधानी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को जांच कराने की बात हो रही है, जिस तरह तारा सहदेव में झारखंड जांच करा रहा है उस तरह यूपी को भी कराना चाहिए। तो ये कहां गलत, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।